लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में तमाम दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को उनकी ओर से वोट करने की अपील कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और गठबंधन के सहयोगी उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर वोट मांग रहे हैं। इस बीच नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हेलीकॉप्टर में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के साथ में लंच के चचेरे और मछली और रोटी खाते हुए भी नजर आए हैं। उसके साथ ही खाने की थाली में मिर्च और प्याज भी रखा था। खाना लाए हैं लंच में, मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है और ये चचेरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट, अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना ये कतई उचित नहीं है और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टिकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी।